जी नमस्ते, कहिए। अच्छा, हमारी नगर को पिछले 2.5 साल से पैरालिसिस का अटैक हो गया है ना, वो चल फिर नहीं पाती, बोल नहीं पाती है। 40% उनका दिमाग के मसल ब्लॉक हो गई। और उम्र कितनी है माँ की? उनकी 76 साल। चलिए भाई, देखो मैं उपाय बता रहा हूँ, आप जरा नोट कर लो पेन कॉपी उठा करके, और आपकी माँ अच्छी हो जाएंगी। देखो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, मैंने हमेशा कहा है कि किसी को भी पैरालिसिस हो जाए तुरंत आप अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए। 3 से 7 दिन में आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। जितना पुराना होगा उतना रिकवर करने में दिक्कत आएगी। तो यदि अभी ताज़ा ही पैरालिसिस हुआ है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अनुलोम विलोम उनको बैठे बैठे करवाइए। अभी माता जी तो घर में ही है, तो थोड़ा कोई हाथ से सहारा दे के भी करवा सकते हैं, और वो भी जिस साइड में पैरालिसिस हुआ है उसे दूसरे हाथ से कर सकती हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सुबह दोपहर शाम इसको कितने ही घंटा कर लो, कोई नुकसान नहीं है। मैंने 5-5, 6-6 घंटा भी किया जा सकता है। जितना ज़्यादा करेंगे उतने जल्दी रिकवर हो जाएंगे। औषधि के तौर पर मेधावटी, अश्वगंधा कैप्सूल, यदि ब्लड प्रेशर हाई ना हो तो अश्वशिला कैप्सूल ले सकते हैं। तो मेधावटी, अश्वशिला या अश्वगंधा कैप्सूल और त्रयोदशांग गुग्गन, बस ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करें गोली के तौर पर, कैप्सूल के तौर पर। मेधावटी, अश्वगंधा या अश्वशिला, ब्लड प्रेशर ना हो तो अश्वशिला और बीपी हो तो अश्वगंधा कैप्सूल, त्रयोदशांग गुग्गन, ये 3 तो गोलियां होगी। और बादाम रोगन, ये भी 1-1 चम्मच गाय के दूध में डाल के पिलाना, बहुत जल्दी आपकी माँ का पैरालिसिस अच्छा हो जाएगा, वो एकदम तंदुरुस्त भली चंगी हो जाएंगी।